घमंडिया गठबंधन की बात करते हो, जो घमंडिया गठबंधन देश तोड़ने की बात करता है, जो घमंडिया गठबंधन सनातन को कोरोना डेंगू मलेरिया की बात करता है, आप उसकी बात करते हो? एक बार आपने उनसे सवाल पूछा क्या? एक बार पूछा क्या, क्या भगवान राम किसी पार्टी के, किसी दल के, किसी समुदाय के, जो राम मंदिर तोड़ने की बात करता है, जो सनातन को मिटाने की बात करता है, जो हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करना चाहता है, जो दंगा कराना चाहता है? ये दास आपके बीच में बैठा है, मैंने ठीक से विरोध किया था, लोगों को ठीक भी किया था, और यहाँ तक जो रामचरितमानस फाड़ते थे उनको भी दौड़ा के ठीक किया था। इसमें कितने दंगे हुए? योगी जी की सरकार में दंगे क्यों नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल तक माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दंगे? हम तो सबको सद्बुद्धि देते हैं, उनको भी सद्बुद्धि आए जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, कोरोना कहते हैं, डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं, ये कहते हैं। जो आप बोल रहे हैं बोला था मोदी हटा, ओम प्रकाश राजभर से कहते थे कि घंटी बजवाएंगे, भूल गए आप लोग? हाँ जी, भूल गए आप लोग? मैंने भूल नहीं किया, मैंने ही विरोध किया था। ये दास आपके बीच में बैठा है, मैंने ठीक से विरोध किया था, लोगों को ठीक भी किया था, और यहाँ तक जो रामचरितमानस फाड़ते थे उनको भी दौड़ा के ठीक किया था। ऐसा नहीं है, हम साधु हैं सनातन, यही तो विशाल परंपरा है सनातन की। अगर जो शरण में आ जाए, कैसे आपने ठीक किया, जो शरण में आ जाए उसको माफ करते हैं, जो शरणम गच्छामि हो जाए। नाक रगर कर कौन माफी मांग रहा था बताओ? लंबा कोई नेता लेटा क्या? इतना बता देना, लंबा कौन लेटा, लंबा कौन लेटा सबके सामने में, माफी कौन मांग रहा था? तो कोई, जो मेरा कहने का भाव यही है, जो माफी मांग ले, जो क्षमा मांग ले सनातन। अरे हमने उनको क्षमा कर दिया, किनको? जिन्होंने 1000 वर्ष तक मेरे ऊपर पीड़ा दिया उनको क्षमा कर दिया। तो माँ बहन की, इसीलिए तो नहीं कहा, इसीलिए। अरे घमंडिया गठबंधन की बात करते हो, जो घमंडिया गठबंधन देश तोड़ने की बात करता है, जो घमंडिया गठबंधन सनातन को कोरोना डेंगू मलेरिया की बात करता है, आप उसकी बात करते हो? एक बार आपने उनसे सवाल पूछा क्या? एक बार पूछा क्या, क्या भगवान राम किसी पार्टी के, किसी दल के, किसी समुदाय के, जो राम मंदिर तोड़ने की बात करता है, जो सनातन को मिटाने की बात करता है, जो हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करना चाहता है, जो दंगा कराना चाहता है? अभी तक क्या होता था? उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए? योगी जी की सरकार में दंगे क्यों नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल तक माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दंगे क्यों? वोटर है काफी नाराज है, बोले ओम प्रकाश राजभर को, जो वोट शकरी नहीं है। नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ धर्म रक्षक क्षत्रिय बंधु से, विप्र बंधु से, व्यक्तिगत मनभेद मतभेद को भूल कर राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए आप आगे बढ़िए। अरे यार, तो आप एक सेकंड, ज्यादा नहीं समय लूंगा, देखिए, उनके कहने का भाव दूसरा था, अर्थ हम जो भी जाके रही भावना, जैसे आप क्योंकि पत्रकार हैं, पत्रकार का काम है कि ठीक से नेताओं को ठीक करना, और ऐसे ठीक करना कि उनकी बुद्धि सही हो जाए, तो आप बुद्धि सही करने में लगे हुए हो, उससे सेवक निकलेगा, सेवा करेगा, अब वही कहने का भाव यही है। पहले वो राजा हुआ करते थे, अब जब जनता राजा है, जनता जिसको मतदान कर देगी, जिसको वोट दे देगा, वही राजा है, वही जो चाहेगा वो होगा। 5 साल होता ही, आप देखते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।